आदाब नमस्कार, सहारनपुर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहम्मद शौकीन, पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर के नागल क्षेत्र के ग्राम उमाही और शरबतपुर में जहरीली शराब पीने से 8 व्यक्तियों की मौत हो गई, जबकि 4 से 5 लोग बीमार बताए जा रहे हैं, जिनको सहारनपुर के जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। जिसकी सूचना मिलते ही जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे व SSP दिनेश कुमार ने दोनों गाँव में जाकर प्रकरण की जानकारी ली। ये आज सुबह 8 बजे UP 100 पे सूचना मिली है, इस तरह से जहरीला शराब पीने की वजह से गांव में मृत्यु हुआ और कुछ लोग बीमार हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। इसी क्रम में हम अभी मौके पर खड़े हैं उमाही गांव में, गांव वालों से हम बात कर रहे हैं। अभी एक पिंटू नाम के व्यक्ति के घर पे थे जिनकी मृत्यु हुई है, पर गाँव वालों का कहना है कि पिंटू नाम के व्यक्ति गाँव में बाहर से ला के शराब बेचता था, वो खुद भी कैंसर का पीड़ित था और उनके कल दिन में इन्होंने बेचा भी और खुद भी पिया और तब से ये समस्या शुरू हुई है। और गहराई से जांच कर रहे हैं और कौन कौन इसमें पिए हैं, सबके यहाँ पे मस्जिद से भी ऐलान करवा दिया गया है, मंदिर से भी ऐलान करवा दिया गया है, कोई शराब पिए ना। और इस तरह से अगर कोई पिंटू के घर से शराब लाया होगा उसका हमें दे दें ताकि हम सैम्पलिंग कर सकें, उसको प्रूव कर सकें। और ये पिंटू कहाँ से लाया इस शराब को, ये इसकी हम लगातार जाँच कर रहे हैं। अलग अलग थानों के फोर्स को टीम के रूप में गठित करके हम इसमें करवा रहे हैं। अब देखिए कुछ ना कुछ जल्दी रिजल्ट मिलेगा। शराब पीने से बीमार हुए लोगों का हाल जानने के लिए मंडल के कमिश्नर CP त्रिपाठी भी जिला अस्पताल पहुंचे और मरीजों से जानकारी ली। शराब प्रकरण में जिला अधिकारी आलोक कुमार पांडे ने कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि कल ये सभी लोग गांव से बालपुर थाना जबेड़ा जिला हरिद्वार निवासी ज्ञान सिंह के यहां 13वीं के कार्यक्रम में सम्मिलित होने गए थे, जहां पर आयोजकों द्वारा इनको शराब पिलाई गई, जिसकी पुष्टि जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा भी की गई है। वहाँ से शराब पीने के बाद उक्त व्यक्ति अपने गाँव लौट आए। कल शाम से ही मौसम सही न होने के कारण उपचार हेतु गांव से बाहर नहीं गए। जी अभी तक जो आधिकारिक रूप से पुष्टि हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करने के पश्चात वो जनपद सहारनपुर के 2-3 गांवों के लगभग 8 लोग, एग्जैक्ट 8 लोग की डेथ जहरीली शराब पीने के चलते हुई है, लिवर में इन्फेक्शन। ज्ञान सिंह नाम का एक व्यक्ति जो पहले से इन जहरीली शराब के निर्माण और उसके सेल में इन्वॉल्व रहा है, वहाँ पर एक रात्रि भोज दिया गया कल
और उसमें यहाँ के भी कई लोग वहाँ गए, वहाँ पर दारू कंज्यूम की गई और कुछ ऐसा इंटेलिजेंस भी है कि कुछ पाउचेस वहाँ से लेकर के भी आए गए पिंटू नाम के एक व्यक्ति के द्वारा और उसको कुछ लोगों को यहाँ पर भी दिया गया। जितने भी मृतक हैं ये कल बालीपुर गए, कल हरिद्वार में वहाँ पर इन लोगों ने दारू पी और रात में ही इनकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन कल रात में आप सभी जानते हैं कि यहाँ मौसम काफ़ी ख़राब रहा, ओलावृष्टि भी हुई और काफ़ी तेज बारिश होने के चलते उन्होंने मेडिकल ट्रीटमेंट कल रात में नहीं लिया और ज़्यादा तबीयत खराब होने के चलते उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। ये इसका प्राइमरी रीज़न है। तीसरा बिंदु है जो महत्वपूर्ण है वो फिलहाल हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज में 9 लोग, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 12 लोग और यहाँ से जॉली ग्रांट जो रेफर किए गए हैं उनकी संख्या 3 है। मेडिकल कॉलेज में 3 व्यक्ति हरिद्वार के हैं और 6 लोग यहाँ के हैं। इन सभी में जो संख्या आपको दी गई इसमें 4 लोग अभी सीरियस हैं और वेंटिलेटर के ऊपर हैं। जो भी जानकारी प्राप्त हुई है उसके आधार पर और माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय से बात करने के पश्चात जिला प्रशासन ने जितने भी मृतक हैं उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा डिक्लेयर किया है। जो लोग अभी बीमार हालत में हैं उनके लिए 50,000 का मुआवजा दिया गया है। इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री ने भी बात हुई, अभी इसमें काफ़ी उनकी चिंता और पीड़ा उन्होंने व्यक्त की है। जो भी दोषी अधिकारीगण हैं चाहे वो आबकारी विभाग की तरफ से हों चाहे पुलिस विभाग की तरफ से हों उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा आबकारी विभाग में भी। बेंगलुरु में आयोजित हुई राष्ट्रीय कलारी पिंटू मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में जिला सहारनपुर के 3 खिलाड़ी अनुभव चौधरी ने रजत पदक, निकुंज राणा ने कांस्य पदक व मोहम्मद जुनैद ने प्रतिभाग कर सहारनपुर जिले का नाम रोशन किया है। आज तीनों खिलाड़ियों का स्टेडियम पहुंचने पर फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। ये भारतीय मार्शल आर्ट है कलारी पट्टू जो कि केरला की मार्शल आर्ट है और भारतीय खेल मंत्रालय से रिकॉग्नाइज है। उसकी राष्ट्रीय प्रतियोगिता बेंगलोर में आयोजित हुई। हमारे सहारनपुर जिला सहारनपुर से 3 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया जिसमें अभिनव चौधरी ने सिल्वर मेडल और निकुंज राणा ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के सहारनपुर का नाम रोशन किया है और आने वाले भविष्य में खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर देश का गौरव बढ़ाएंगे। जेवी जैन कॉलेज सहारनपुर में स्पोर्ट्स मेले के शुभारंभ पर आज बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसका उद्घाटन प्रबंध समिति के सदस्य देवेंद्र मित्तल व प्राचार्य पीके वाशिंग ने करने का खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर किया। बालाजी धाम के 11वें वार्षिक उत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 8वें दिन भी आज प्रभात फेरी का आयोजन पंत नगर से किया गया जिसमें अतुल जोशी जी महाराज ने सभी श्रद्धालुओं को आशीर्वाद भी दिया। अम्बाला रोड स्थित होटल रॉयल रेजिडेंसी के सभागार में आज देहरादून मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से आए डॉक्टर रवि कुमार ने कार्डियल सर्जरी के बारे में पत्रकारों को जानकारी दी। मैं डॉक्टर रवि कुमार सिंह, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर डिपार्टमेंट। तो सर ये बताइए कि प्रेस वार्ता करने का क्या आपका मकसद है? मकसद है लोगों की अवेयरनेस, नॉलेज, कि एक तो उनको नॉलेज हो कि हाँ ये सर्जरी दूसरी तरीके से भी हो सकती है जिससे कि लोगों में से सर्जरी का डर निकले। लोगों को मैंने देखा है कि सर्जरी एडवाइस होती है
लेकिन वो केवल डर की वजह से अपना ऐसा जीवन यापन करने लगते हैं डिजीज़ के साथ, जिससे कि फिर वो क्या होता है कि जब वो ऐसी स्टेज पर हो जाते हैं, दो चार साल बाद डिजीज़ के बाद आते हैं, जबकि उनको सर्जरी एडवाइस नहीं है कि हार्ट की कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है, फिर वो सर्जरी से भी बाहर चले जाते हैं, जबकि हम उसको सर्जरी से ठीक कर सकते हैं और साथ में छोटे छेद से कर सकते हैं, तो पेशेंट का डर नहीं। अच्छा, ये क्या है, ये जो नई चीज़ आप बता रहे हैं, पहले कैसे होती थी और अब कैसे होती है? देखिए, अभी भी होती है, पहले और बाद ओपन हार्ट, ओपन हार्ट नहीं, एक्चुअली इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल, जो नॉर्मल तरीके से, रूटीन तरीके से। रोजाना की न्यूज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।